हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बड़ी अमेजिंग वीडियो गाइज। जिस फ्रंट के हमारे बेबी जहर रहते हैं उससे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, जो 3.5-4 महीना स्टे कर जाए और आपका इससे फ्रंट लुक बड़ा ख़राब हो जाता है। अगर आपके हेयर सामने से कर्ली हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं तो आप, और बेबी जहर मुँह पर आते रहते हैं, तो हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्लैरिफाइंग वॉश करा दिया। हम यहाँ पर करने वाले हैं केराटिन ट्रीटमेंट, तो इनको सिर्फ सामने के ही हेयर के लिए करना था। ये हमेशा तो पूरा ही करवाते हैं, बट मेन इनका प्रॉब्लम होता है सामने के हेयर का, जो काफ़ी ज़्यादा इनके वेव्स आ जाते हैं और कर्ली भी हो जाते हैं बहुत, और ड्राई हो जाते हैं। तो इस बार इन्होंने सिर्फ फ्रंट का कराया ताकि सामने के बाल मैनेजेबल हो जाए। ये वाला चीज़ बहुत लोगों को प्रॉब्लम देता है, सामने के हेयर से आपका लुक पूरा ख़राब हो जाता है, और जब फेस पे हेयर सही नहीं रहते तो आपके फेस अच्छा नहीं दिखता है। तो इसकी वजह से अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं सिर्फ हाफ पार्टीशन में केराटिन ट्रीटमेंट, और इससे आपके हेयर 3-4 मंथ्स आराम से लास्ट कर जाएंगे। एंड इसे अभी हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं। टाइमिंग देखिए, आपको जो वॉश जो मैंने फर्स्ट कराया है तो उसे तो हम लोग को पूरे ही बाल में वॉश कराना पड़ेगा, और सेकेंड डे जब वॉश हुआ था वो भी पूरे बाल को ही करना पड़ा, बिकॉज सिर्फ सामने का क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं रहेगा वॉश करवाने के लिए, तो इसलिए हम लोग ने पूरे हेयर्स को वॉश किया है। एंड अभी हम कर रहे हैं ब्लो ड्रायर अच्छे से। तो यहाँ पे हम सिर्फ कूल ड्रायर से पहले पूरे आपको हेयर को ड्राई करना है, हीट ज़रा भी नहीं देनी है अपने हेयर्स को। पहले कूल ड्रायर से ड्राई करना है, फिर मीडियम हीट और फुल ब्लो पे आपको अच्छे से पूरा ड्राई करना है। केराटिन आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, बस मेक श्योर करें कि वो केराटिन में केमिकल कम हो और केराटिन अच्छे मतलब लास्ट करे, ऐसे आप ब्रांड का यूज़ करिए। क्योंकि बहुत सारे आजकल तो ब्रांड्स आ गए और बहुत चीप केराटिन भी मिलने लगते हैं, बट हम जो यूज़ करते हैं वो है बहुत ही अच्छा ब्रांड है। अगर यहाँ पे तो मैं कोई ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ गाइस, तो आप जो चाहे ब्रांड यूज़ कर सकते हैं केराटिन के लिए। मेन होता है आपका करने का तरीका, उसके ऊपर सारा कुछ रिजल्ट डिपेंड होता है। अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपके क्लाइंट भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे, और अच्छे से आप जैसे आयनिंग वगैरह सही नहीं करते हैं तो उससे भी काफ़ी रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं केराटिन के। मेन क्या कब रिज़ल्ट नहीं आता है क्लाइंट के बालों में, अगर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से केराटिन में रिज़ल्ट नहीं आता, बिकॉज केराटिन खुद कोटिंग करता है, और ऑलरेडी कोई चीज़ कोट करी हुई हो बालों में तो रिज़ल्ट केराटिन में नहीं आएगा बिल्कुल ही। तो इसकी वजह से आपको ध्यान रखना है कि क्लाइंट के हेयर एकदम क्लीन हो, और इसलिए हम वॉश भी करते हैं 2-3 बार ताकि क्यूटिकल ओपन हो जाए। तो इसीलिए तो अभी आपको अच्छे से इसे केराटिन हमारा हो गया, हमने इसे रखा था 40 मिनट्स के लिए बिकॉज केमिकल हेयर है, और फिर हम अब आयनिंग कर रहे हैं, और सिर्फ हम हाफ सेक्शन पे ही कर रहे हैं, और सेकंड जो वॉश हुआ था वो भी पूरे बालों में हो गया था। तो सामने के हेयर इनके काफ़ी हद तक ठीक हो गए अब, और ये 3-4 मंथ्स तो आराम से लास्ट कर ही जाएगा। अब ये पीछे का मतलब नेक्स्ट उसमें सेटिंग में अब वो सारा करवा लेंगे। तो अभी इनका तो ये हो गया, 3 मंथ्स तक तो निकल ही जाएगा इनका हेयर में। एंड गाइज, अब यहाँ पे आपको सेक्शन बाय सेक्शन काम करना है। पहले आपको प्रॉपर ब्लो ड्रायर करना है, फर्स्ट तो आपको कूल ड्रायर से ही बालों को सुखाना है। अगर आप इमिडिएटली हीट दे देते हो बालों में तो जितना भी जो केराटिन होता है जो बालों से उड़ जाता है, तो आपको एकदम से हीट नहीं देना, आपको पहले कूल ड्रायर करना है, देन आपको हीट देना है, और अच्छे से प्रोडक्ट को मेल्सिफाई करने के लिए आयनिंग करना है। एक सेक्शन को कम से कम आपको 7-8 टाइम्स करना है हेयर के अकॉर्डिंग, और आयनिंग का जो टेम्परेचर रहेगा वो क्लाइंट के हेयर्स के अकॉर्डिंग रहेगा। बहुत ज़्यादा केमिकल है तो 190-210 कर सकते हो आप लोग, और काफ़ी क्लाइंट के कोई क्लाइंट के हेयर स्ट्रॉन्ग रहते हैं भले वो केमिकल ट्रीटेड, तो आप 230 पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है 210 है, तो इससे काफ़ी अच्छी शाइन आ रही थी, बस आपके बालों में शाइन आ जाना चाहिए, आपको ऐसे आयनिंग करना है। तो यहाँ पे हमारे शाइन दिख रही है हमारे बालों में क्लाइंट के, तो इसीलिए हम इतने ही टेम्परेचर पे रखेंगे, और आयनिंग आपको बड़ी प्रॉपर करनी है बिकॉज आयनिंग से ही आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आप सेकेंड डे क्लाइंट को वॉश करने बुलाना है, क्लाइंट को बोलना है ज़्यादा कोम ना करें बिकॉज प्रोडक्ट ऑलरेडी लगा है। काफ़ी लोग
आप अगर हम स्मूदनिंग कराते हैं, स्मूदनिंग का पूरा केमिकल प्रोसेस होता है उसमें, आप कॉम वगैरह उसमें, क्योंकि कोई प्रोडक्ट लगा हुआ नहीं होता बालों में, तो उस कैरेटिन में प्रोडक्ट लगा हुआ होता है, इसकी वजह से आपको क्लाइंट को कॉम करने मना करना है बस एक मॉर्निंग में और नाइट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनके फ्रंट के हेयर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो एंड अब भी हमारा हो गया कंप्लीट। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।